स्टूडेंट, आज मैं आपको नंबर की स्क्वायर निकालने की ट्रिक सिखाऊंगी। कई सारी ट्रिक इस वीडियो में हम सीखेंगे। सबसे पहली ट्रिक है ट्रिक नंबर 1। वो क्या है बेटा, 41 से लेके 49 तक की जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालना, और उसकी हम ट्रिक सीखेंगे। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 42 का स्क्वायर। इस ट्रिक के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट ये कहता है कि ये जो नंबर है 42, इसे 50 में से घटा दो और क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 50 में से घटाया और स्क्वायर कर दिया, ये पहली स्टेप। कितना आएगा? 8, और उसका क्या हो गया, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 64। ये हो गया। अब आगे चलते हैं सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप कहती है बेटा कि ये जो आपकी 10 प्लेस डिजिट है वो क्या है, 4, उसका स्क्वायर करो। और ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है, यूनिट प्लेस डिजिट कितनी आपकी, 2, उसमें से 1 घटा दो। ये ट्रिक है। तो बेटा ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, ये प्लस और ये 1, इनको आप जोड़ो तो ये कितना हो गया, 17। और बेटा आपको 42 का स्क्वायर मिल गया, वो क्या है, 1764। चलिए अब हम 48 का स्क्वायर निकालते हैं ट्रिक से। ट्रिक की पहली स्टेप क्या है, पहली स्टेप है बच्चों, फर्स्ट स्टेप क्या है, 50 में से 48 को घटा दो। 48 को घटा दिया और जो आएगा उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 और उसका स्क्वायर। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ जो सॉल्यूशन मिले वो 2 अंकों में मिलना चाहिए, ब्रैकेट के अंदर का। तो बेटा ये तो 1 अंक ही मिला, अकेला 2 मिला, तो आप क्या कीजिए, इसे 02 लिख लीजिए। बस यही बात आपको ध्यान रखना। अब ये क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, 04, है ना, इस रूप में आपको लिखना है। चलिए अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप कहती है आप 10 प्लेस डिजिट का स्क्वायर कीजिए। तो बेटा 4 का स्क्वायर करा। और थर्ड स्टेप कहती है कि आप यूनिट प्लेट डिजिट लिखो और उसमें से 1 घटा दो। ये घटा दिया और जो आएगा उसे क्या करना है, आपको इसके साथ जोड़ना है। ठीक है, ये तीसरी स्टेप भी बन गई आपकी। इसका सॉल्यूशन क्या आया, ये हो गया बेटा 16 प्लस ये हो गया दोनों मिलके 7। अब आप इनको जोड़ोगे कितना आया, 2304। 48 का स्क्वायर 2304 है। अब हम बच्चों 51 से लेकर 59 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालने की ट्रिक सीखेंगे। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या ले, 53 का स्क्वायर ले लेते हैं, 53 का स्क्वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, ये भी 3 स्टेप में होगा। पहली स्टेप कहती है कि ये जो अंक है, यूनिट प्लेस डिजिट का अंक, इकाई का अंक, वो कितना है, 3, आप उसको स्क्वायर कर दो। तो कर दिया, तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 9। लेकिन आप इधर जब भी लिखो तो क्या लिखना है, 2 डिजिट नंबर लिखना है। तो 9 के आगे क्या लगा लो, 0। ये मेन बात है, ये नहीं भूलना। पहली स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप पे आते हैं। दूसरी स्टेप कहती है कि आप 10 प्लेस डिजिट कौन सी है, 5, उसका स्क्वायर करो। और उसमें तीसरी स्टेप में क्या करोगे, उसमें क्या करोगे, ये जो यूनिट प्लेस डिजिट है इसे जोड़ दो। जोड़ दिया तो कैलकुलेट कर लेते हैं, ये जाएगा 25 प्लस 3, ये हो गया। अब इनको जोड़ के लिख दो, ये कितना होगा, 28। तो बेटा इस 53 के स्क्वायर का सॉल्यूशन क्या हो गया, 2809। अब हम एक और नंबर का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। जैसे हम 56
का स्क्वायर निकालते हैं। ट्रिक तीन हिस्सों में बटी है। पहला पार्ट क्या है बेटा? पहला पार्ट कहता है कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर कर दो। तो बेटा 6 का स्क्वायर करा। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपसे कहा यहाँ जो नंबर आएंगे वो 2-डिजिट नंबर होने चाहिए, तो है, तो हमें 0 लगाना ही नहीं पड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप क्या कहती है? सेकेंड स्टेप कहती है कि 10 प्लेस डिजिट का स्क्वायर कर दो। तो 10 प्लेस डिजिट क्या आपकी 5, उसका स्क्वायर कर दिया। और फिर ये 1 प्लेस डिजिट या कहिए यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट इसमें क्या करो? जोड़ दो। जोड़ दी। अब ये बेटा क्या हो गया? ये हो गया आपका 25 + 6। जोड़िए इनको, ये आएगा आपका, यहाँ लिख लेते हैं, ये आएगा आपका 31, है ना? तो इसके स्क्वायर क्या हुआ? 3136। अब हम बच्चों नई ट्रिक सीखेंगे। ट्रिक क्या है? आपको 91 से लेके 99 तक के नंबर का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगी। चलिए कोई एक नंबर ले लेते हैं, जैसे 94 का स्क्वायर ले लिया। तो ट्रिक कहती है कि ये जो 94 नंबर है उसे 100 में से घटा दो, उसे 100 में से घटा दो, ठीक है? 94 को घटा देते हैं और क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो घटाओगे तो कितना आएगा बेटा? आप इसको घटाओगे तो आएगा 6, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा? 36। आपसे मैंने कहा था कि जब भी आप इधर का सॉल्यूशन करते हो पहला पार्ट ट्रिक का करो तो 2-डिजिट नंबर बनना चाहिए, तो बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या करोगे आप? ये जो 94 दे रखा है, अब हम सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहती है कि ये जो 94 है बच्चों उसमें से इस 6 को घटा दो। घटा देते हैं तो कितना आएगा? 88। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या हुआ? 8836। अब हम एक और नंबर का स्क्वायर देख लेते हैं, जैसे 91 का स्क्वायर। तो इसमें ट्रिक में दो हिस्सों में होती है। पहली क्या है? पहला पार्ट है बेटा ये जो नंबर दे रखा है इसे 100 में से घटा दो, तो घटा दिया और क्या कर दो? स्क्वायर कर दो, ठीक है? फिर अब कितना आएगा इसको घटाओगे? तो ये आएगा बेटा आपका 9 और ये स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। पीछे बन रही है 2-डिजिट नंबर, इसका मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्या करोगे? इस ट्रिक का सेकेंड पार्ट है बेटा कि ये जो 91 नंबर है उसमें से ये जो नंबर आया उसे आप क्या करो? घटा दो, 9 को घटा दो। तो आप इसको घटाओगे तो कितना आएगा? आपको मिलेगा 82। तो बेटा आपको ये 91 का स्क्वायर क्या मिला? 8281। अब हम अगली ट्रिक सीखने जा रहे हैं, वो क्या है? 101 से लेके 139 तक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर निकालने की ट्रिक है। जैसे कोई एग्जांपल लेती हूँ मैं, 106 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है? तो बच्चों ट्रिक के दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है बेटा आपको ये जो नंबर दे रखा है इसमें से 100 घटा दो। तो 106 में से 100 घटा दिया, जो नंबर आया उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो बेटा इसको घटाओगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, और उसका क्या कर दिया? स्क्वायर। और बेटा 6 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 36। ये हो गया। आगे चलते हैं। सेकंड पार्ट ट्रिक का क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है कि ये जो 106 नंबर है उसमें ये जो 6 है इसे आप जोड़ दो। तो जोड़ देते हैं, कितना आएगा? ये आएगा 112। तो बेटा 106 का स्क्वायर क्या हुआ ट्रिक से? 11236।
एक और क्वेश्चन हम करके देखते हैं, जैसे 119 का स्क्वायर, 119 का स्क्वायर। ट्रिक के कितने पार्ट हैं? ट्रिक के हैं दो पार्ट। पहला पार्ट कहता है कि आप इस नंबर में से 100 को घटा दो, तो 119 में से 100 को मैंने घटा दिया, और क्या करना है, स्क्वायर भी करना है। ठीक है, अब बेटा घटाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा 19 का स्क्वायर, और 19 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 361। अब आप बात बहुत ध्यान से सुनिए, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आप निकालते हैं पहले पार्ट का, वो टू डिजिट नंबर होना ही चाहिए। तो बेटा यहाँ पे ये नंबर ज़्यादा आ रहा है, ये टू डिजिट नंबर बन जाएंगे, ये नंबर ज़्यादा है, तो क्या करोगे। चलिए अब हम पहले सेकंड स्टेप की बात करते हैं। तो सेकंड स्टेप क्या कहती है कि ये जो नंबर है 119 में आप क्या करते हो, ये नंबर जोड़ देते हो, तो 19 को आप जोड़ दो, है ना। लेकिन यहाँ टू डिजिट नंबर होना चाहिए, यहाँ थ्री डिजिट नंबर आ रहा है, तो आप अब क्या करोगे, आप इस थ्री को भी इसमें क्या करोगे, जोड़ दोगे। ठीक है, थ्री को भी आपने जोड़ दिया, तो यहाँ अब क्या बचा, यहाँ बचा 61, यहाँ क्या बचा बच्चों, 61 बचा। अब इनको जोड़ लेते हैं, इनको जोड़ोगे आप तो यह आएगा 141। तो इस नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, 14161।